कांडी से अरुण कुमार चौबे की रिपोर्ट। हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में रविवार को त्रिकोणीय कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मुखिया प्रत्याशी रीता देवी व विकास यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। शरीर को तरोताजा रखने के लिए खेलना बहुत ही जरूरी है। मैच की जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य डब्लू चौबे ने बताया कि प्रत्येक मैच 12-12 कस्को गेंद द्वारा खेला जाएगा। मैच की शुरुआत स्टार क्रिकेट क्लब मझगामा और नौडिहवा के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर मझगामा स्टार क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 5 विकेट खोकर 139 रन बनाया, जिसमें मझगामा की ओर से मुकेश पासवान ने सर्वाधिक 70 रन बनाया। वहीं जवाब में नौडिहवा टीम 12वें ओवर में 102 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। मझगामा टीम 37 रन से विजयी हुई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मुकेश पासवान को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। मौके पर मुखिया प्रत्याशी राम प्यारी ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी जितेंद्र चौबे, वर्तमान उप मुखिया अरुण मिश्रा, वार्ड प्रत्याशी टिंकू चौबे, राजेश शर्मा व कमेटी की ओर से उमापति प्रसाद गुप्ता, अनमोल राम सहित कई लोग सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे।